हमदस्ता और हमदस्ते की कली ये तकरीबन जगहों पर मौजूद होता है और ये मन्नत के लिए रखा जाता है कि आप हर जगह तुम शिवलिंग बोलकर जाएंगे कि हर जगह तुम मंदिर बोलकर जाएंगे तो ये सरासर गलत है। इस तरीके से बोले तो ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि मक्का काबे के अंदर भी शिवलिंग है बोलकर ये लोग हजरत अस्वद को बोल रहे हैं। ये कहाँ कहाँ जाकर टारगेट करेंगे। हम इनकी बात को हम टोटली एक्सेप्ट नहीं करते और हम कंडेम करते हैं और ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक साजिश है श्रीराम सेने की, आरएसएस की, बजरंग दल की, बीजेपी के तमाम लोगों की। ये सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहे हैं। हम देखे हैं अलन शरीफ के अंदर तमाम हिंदू तमाम मुसलमान वन साइड होकर दरगाह के प्रोटेक्शन के लिए जमा हुए थे। कल पुलिस ने वहां पर घर घुस घुस कर दरवाजे तोड़कर नौजवानों को बूढ़ों को औरतों को सब लोगों को अरेस्ट कर रही है। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, केबीएन यूनिवर्सिटी, सूरत खजाना, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, चुलबुल फर्नीचर एंड बाय एसआर कॉन्टिनेंटल होटल। दरगाहों में मंदिरों में हर जगह पर एक काला पत्थर होता है जिसको कहते हैं अम्मी कल्लू, जिसको कहते हैं कन्नड़ा में अम्मी कल्लू और घर में बोलते हैं हमदस्ता। हमदस्ता और हमदस्ते की कली ये तकरीबन जगहों पर मौजूद होता है, तकरीबन दरगाहों पे और तकरीबन मंदिरों में होता है और ये मन्नत के लिए रखा जाता है। तीन उंगलियों से दो उंगलियों से उठाने के लिए तकरीबन जगहों पर मिलेगा कि आप हर जगह तुम शिवलिंग बोलकर जाएंगे कि हर जगह तुम मंदिर बोलकर जाएंगे तो ये सरासर गलत है। इस तरीके से बोले तो ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि मक्का काबे के अंदर भी शिवलिंग है बोलकर ये लोग हजरत अस्वद को बोल रहे हैं। ये कहाँ कहाँ जाकर टारगेट करेंगे। हम इनकी बात को हम टोटली एक्सेप्ट नहीं करते और हम कंडेम करते हैं और ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक साजिश है श्रीराम सेने की, आरएसएस की, बजरंग दल की, बीजेपी के तमाम लोगों की। ये सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहे हैं। हम देखे हैं अलन शरीफ के अंदर तमाम हिंदू तमाम मुसलमान वन साइड होकर दरगाह के प्रोटेक्शन के लिए जमा हुए थे। कल दरगाह का प्रोटेक्शन तमाम लोगों ने मिलकर किया है, सिर्फ और सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोगों ने मिलकर, बीजेपी के एमएलए एमपी यूनियन मिनिस्टर सब लोग आने के बावजूद भी सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोग आए हैं और ये लोग सिर्फ और सिर्फ पुलिस की जोर पर और पुलिस के ताकत के बुनियाद पर वहां पर जाकर वहां पर पूजा पाठ करे हैं। ये हम इसके कंडेम करते हैं, इसको इमिडिएटली रोकना है। और एक साथ साथ जो वहां के अलन के नौजवानों ने जो हिम्मत जो वहां पर जो ताकत दिखाई है हम उसको सलाम करते हैं। वहां की औरतों को जिन्होंने रोजा रहकर वहां पर डिफेंड किया, रोजा रहकर नौजवान रोजा थे, औरतें रोजा थी, बच्चे रोजा थे, सब लोग वहां पर खड़े होकर वहां पर दरगाह की प्रोटेक्शन कर रहे थे। 650 साल पुरानी दरगाह शरीफ के प्रोटेक्शन के लिए वहां पर लोग खड़े हुए थे। तो हमें ये समझना है ये जो सुबह सुबह 5 बजे से निकलकर जिस तरीके से डीसी और एसपी के ऑर्डर पर तकरीबन 100 से ज्यादा 150 तक लोगों को अरेस्ट किया गया है, उसके अंदर से 15 से 20 औरतों को अरेस्ट किया गया है और इसी अरेस्ट के दौरान में हमें ये भी सुनाई दे रहा है कि वहां पर 3 लोगों का ये डेथ हुआ है। किसके वजह से? हार्ट अटैक की वजह से। और ये जो पुलिस का जो वहाँ पर जो अत्याचार हुआ है उसके वजह से वहाँ पर 3 लोगों का डेथ हुआ है, ये हमारे को सुनने में आ रहा है। और ऑलरेडी वहाँ पर बहुत सारा एक इशू क्रिएट किया गया है पुलिस के तरफ से, हम इसको कंडेम करते हैं। आज अभी अभी ऑल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारी बात हुई है। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, केबीएन यूनिवर्सिटी, सूरत खजाना, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, चुलबुल फर्नीचर एंड बाय एसआर कॉन्टिनेंटल होटल।